दोस्तों अक्सर हम हमारी लाइफ के अंदर एग्जाम्पल देते हैं कि मैं कोई टाटा या बिरला नहीं हूं, मैं कोई अंबानी नहीं हूं। क्या हम ये एग्जाम्पल क्यों देते हैं? क्या उनकी सोच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है? क्या हमारा सोचना और हमारा कार्य करने की शैली बिल्कुल डिफरेंट है? नहीं दोस्तों, हम वैसे ही इंसान हैं, हम वैसा ही काम करते हैं, वैसे ही मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी सोच के अंदर फर्क है। दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है कि ये कर लिया तो आप सब कुछ पा लोगे। इसका मतलब है कि आप की जो सोच है वो क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने सोच आपकी सोच में परिवर्तन कर लिया तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि हमारे ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्शियस माइंड, सेकंड होता है सबकॉन्शियस माइंड और थर्ड होता है अनकॉन्शियस माइंड। दोस्तों ये जो तीन माइंड के प्रकार होते हैं, कॉन्शियस माइंड हमारे जो जागते वक्त काम करता है, अनकॉन्शियस माइंड सोते वक्त काम करता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी अर्ध चेतन अवस्था है जिसके अंदर वो काम करता है। दोस्तों जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर एक अद्भुत पावर है, अद्भुत ताकत है। उसके अंदर हमारी हीलिंग मैकेनिज्म भी होती है और हमारी इलनेस मैकेनिज्म भी होती है। तो जो ब्रेन का जो सबकॉन्शियस माइंड है दोस्तों, सफल लोगों के अंदर और असफल लोगों के अंदर डिफरेंस यही होता है, यहां हीलिंग मैकेनिज्म भी होती है और इलनेस वाली मैकेनिज्म भी होती है। दोस्तों जो व्यक्ति सफल है अपनी लाइफ के अंदर, वो सफल इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन देते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और पॉजिटिव ऑटो सजेशन देने के कारण उनकी हीलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। पॉजिटिव ऑटो सजेशन देने के कारण इनकी हीलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, और हीलिंग मैकेनिज्म से हमारा शरीर हल्का हल्का रहता है, हमारे ब्रेन के अंदर खुशी वाले हार्मोन रिलीज होते हैं और हम स्वस्थ फील करते हैं, हवा में उड़ते हैं और कोई टेंशन नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ हम नेगेटिव ऑटो सजेशन देते हैं, जैसे ये काम तो मुझसे नहीं होगा, मैं तो पिछली बिजनेस में मुझे लॉस हो गया, ये मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे सब साथ नहीं देते, मेरा तो टाइम ही खराब है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नुकसान में आ जाऊंगा, मेरा लॉस हो जाएगा, मेरी चोरी हो जाएगी। इस तरह के जब नेगेटिव ऑटो सजेशन देते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड का ये इलनेस वाला पार्ट है वो स्टार्ट होता है, और इलनेस की वजह से हमारी बीमारियां डेवलप होने लग जाती है। जैसे हमारा सर दर्द होने लग जाता है, बॉडी में दर्द होना है, घबराहट होती है, कपकपी आती है, इरिटेशन आता है, गुस्सा आता है, तो इस तरह की जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हम ऑटो सजेशन क्या दे रहे हैं। एक जो सक्सेसफुल इंसान जो टाटा बिरला या अंबानी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते। आप उनकी लाइफस्टाइल पढ़े, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ के देखिए कि वो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ऑटो सजेशन देते थे, और किसी भी परिस्थिति में ये नहीं होता दोस्तों कि वो लोग असफल नहीं होते, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब उनके पास विपरीत चीजें होती है, विपरीत परिस्थितियां होती है या नेचर की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो भी उस नेगेटिव परिस्थितियों में भी अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन देते हैं। सपोज करिए कि सब उनके कोई एक बिजनेस के अंदर लॉस हो गया तो हमेशा उनका माइंड में ये रहता है कि कोई बात नहीं, अगले वाले बिजनेस में ओवरकम करेंगे, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग असफल होते हैं, जो बार बार फेलियर होते हैं, उनके बिजनेस में लॉसेस होते हैं, तो वो लोगों की सोच ये होती है कि नहीं यार मेरा तो नुकसान हो गया था, पिछली बार भी ये हो गया था, इस बार चोरी हो जाएगी, इस बार कुछ और हो जाएगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। इस तरह के जो नेगेटिव ऑटो सजेशन देते हैं वो लोग असफल होते हैं। अब दोस्तों सबसे मेरे क्लिनिक पे आने वाले लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब हम टेंशन में हैं, फिर ऑटो सजेशन कैसे दें? हमारे चारों तरफ टेंशन घिरी हुई है, फिर अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव ऑटो सजेशन किस तरह से दें? तो दोस्तों सबसे इसके अंदर एक जो चीज है वो डिस्कस करना चाहेंगे, कॉन्शियस रिजेक्शन। जब आदमी किसी टेंशन के अंदर होता है तो वो अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन देने की कोशिश करता है। सपोज करिए कि आपके बिजनेस में अभी लॉस हुआ है और आप अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन किस तरह से देंगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। उसमें इंसान ये सोचता है कि यार इतना बड़ा लॉस हुआ है, अब मैं अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन कैसे दूं? इसके लिए दोस्तों एक समय होता है, आप सुबह जल्दी उठते वक्त और रात को सोते वक्त आप अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दे सकते हैं। उस टाइम पे ये जो कॉन्शियस रिजेक्शन है वो सबसे कम होती है। कॉन्शियस रिजेक्शन का मतलब होता है कि जब आप विपरीत परिस्थिति में आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, अपने आप को मना करता है, धिक्कारता है कि आप अभी टेंशन में हो, आप अपने आप के लिए पॉजिटिव कैसे सोच सकते हो। तो ये जो कॉन्शियस रिजेक्शन है वो रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त जब आप गहन अर्ध निद्रा में होते हो
और अर्ध चेतन अवस्था में होते हो उस टाइम पे ये सबसे कम होता है, उस टाइम पे आप अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दे सकते हैं, जिससे आप अपने ब्रेन को ये समझा सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा सकते हैं कि सफलता मैं लेके रहूंगा, मेरे बिजनेस में फायदा होके रहेगा, मैं ये करके रहूंगा, मैं ये कर सकता हूं। और जब सबकॉन्शियस माइंड में ये पॉजिटिव ऑटो सजेशन पहुंच जाते हैं तो आपका दिलो दिमाग उसी अकॉर्डिंग काम करता है, आपका नेचर उसी अकॉर्डिंग काम करता है, आपके देखने की क्षमता, आपका दृष्टिकोण, आपका परसेप्शन सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है और आपके साथ सारी चीजें धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगती है। तो दोस्तों ये दिमाग का बहुत ही बड़ा रहस्य है, इस रहस्य को अपनाइए और सफलता पाइए।